Now I invite Director Falcon Grammar School and College, Sir Imran. Please come on the stage and give his views about this program. Director Falcon Grammar School, Sir Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chief Guest, respectable parents, respectable teachers, and my dear Falcon, Assalamu Alaikum. First of all, I am thankful to Allah Almighty that still I am standing in front of you. Today is a great day. Today is a great day for the parents. Most of the time I talk with my teachers. Look at the mountains जो हमसे कितने दूर हैं, उन पहाड़ों की तरफ देखें जो हमसे यहाँ से कितने दूर हैं, वहाँ पे जिंदगी की सर्वाइवल भी कितनी मुश्किल है एज कम्पेयर टू यहाँ की हम बात करें तो आप उन दूर दराज आप पहाड़ों की तरफ देखें, आप वहाँ देहातों की तरफ देखें जहाँ इतनी मुश्किल से सुबह अपनी माँ अपने बच्चों को प्रिपेयर करती हैं, बाप इतना हार्डवर्क करने के बाद अपने बच्चों को इस आस के साथ, इस उम्मीद के साथ यहाँ भिजवाते हैं। रास्ते में बहुत से स्कूल भी आते हैं, बहुत से देहात भी आते हैं, बहुत से गाँव भी आते हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ यहाँ भिजवाते हैं जी फाल्कन में जाके बच्चे हमारे इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जरूर हासिल करेंगे। सो आज ऐसे पेरेंट के लिए रिवॉर्ड का दिन है कि आज माशाल्लाह जब उनके बच्चों ने यहाँ अच्छा परफॉर्म किया, पोजिशन ली, तो आई एम श्योर कि उनके पेरेंट्स भी आज बहुत ज़्यादा खुश होंगे। सेकेंड, टुडे इज़ अ ग्रेट डे फॉर द टीचर्स। एक टीचर सारा साल अपने बच्चों के साथ सुबह शाम बहुत एफर्ट्स करती हैं, बल्कि आजकल तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह नाइट क्लासेस भी चल रही हैं, बोर्ड की क्लासेस 9th और 10th की, रात को हमारा तकरीबन 12 बजे तक ऑफ होता है। तो आज उन टीचर के लिए भी बहुत बड़ा दिन है कि आज उन टीचर के लिए भी एक रिवॉर्ड डे है कि जब टीचर एक स्टूडेंट पे इतनी एफर्ट्स करती हैं, तो जब वो सामने देखते हैं कि मेरे तैयार करदा बच्चे माशाल्लाह इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इतनी अच्छी पोजीशन ले रहे हैं, तो आज उन टीचर के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। एंड थर्ड, टुडे इज अ ग्रेट डे फॉर द स्टूडेंट्स। देखिए हम आज सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हमारा मकसद, हम क्यों बैठे हुए हैं, आई थिंक ये रीज़न सिर्फ ये है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे हैं बच्चे हैं, लेकिन बेसिकल जो मकसद है कि स्टूडेंट्स का एक कम्बिनेशन है। तो आज स्टूडेंट का भी बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इतने दूर दराज एरियो से आते हैं, देखिए सर्दी होती है तो बच्चा बहुत मुश्किल से सुबह सुबह तैयार होता है, ऐसा जब गर्मी होती है उस बच्चे का घर वापस जाना, घर पहुँचना बहुत मुश्किल बात होती है शायद, तो आज बच्चे सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, रात मैं आपको बता चुका हूँ जैसे रात तक क्लासेस होती हैं, तो ऐसे स्टूडेंट के रिवॉर्ड का दिन है कि आज कहते हैं इस फंक्शन में, यस में आपने देखा कि ऐसे स्टूडेंट्स को अपनी मेहनत का फल मिला है, तो आज उन स्टूडेंट का भी एक रिवॉर्ड का दिन है, एक बहुत बड़ा दिन है उनके लिए। एंड टुडे इज अ ग्रेट डे फॉर मी ऑल्सो, मेरे लिए भी बहुत बड़ा दिन है, स्कूल के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, और हमारी टीचर्स के सबके लिए, पूरे स्टाफ के लिए, पूरे खानपुर के लिए, पूरे फाल्कन के लिए बहुत बड़ा दिन है कि आज जिस तरह आपने देखा कि हमारे बच्चों की जो पोजीशन थी, ना सिर्फ यहाँ खानपुर की बात हम नहीं कर रहे थे बल्कि डिस्ट्रिक्ट इकबाल की बात कर रहे थे, तो उन सब के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। जैसा कि आप जानते हैं कि फाल्कन का तालीमी फ़िज़ा में परवाज किए हुए कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, टुडे वी हैव सक्सेसफुली कम्प्लीटेड अवर थर्ड सेशन। आज आपने थर्ड सेशन कम्प्लीट किया है, तो थर्ड सेशन में जो करंट सेशन है इसमें हमने क्या किया है, मैं जरा इसके बारे में आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ये जो करंट ईयर हमारा गुजरा है, इस करंट ईयर में हमारी अचीवमेंट क्या है, हमने क्या प्लान किया था, हमने क्या कुछ हासिल किया है, और फ्यूचर हमारा प्लान क्या है। तो सबसे पहले मैं इस करंट ईयर से बात करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो छोटी क्लासेस थी हमारी, जूनियर सेक्शन था वहाँ पे बहुत अच्छा वर्क हुआ, बच्चों के राइटिंग का काफ़ी प्रॉब्लम था, राइटिंग पे बच्चों ने, टीचर्स ने काफ़ी एफर्ट्स किए, बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह राइटिंग कॉपी वर्क काफ़ी बेहतर हुआ। सेकेंड, जो सबसे पहली अचीवमेंट थी हमारी बोर्ड क्लासेस के हवाले से, वो लास्ट ईयर 31 मार्च को ही रिजल्ट अनाउंस हुआ था, तो आपको ये जान के यकीनन खुशी होगी, हो सकता है कुछ लोगों को ये बात ना पता हो कि 2012 के 5 ग्रेड 5 के जो एग्ज़ाम था
उसमें हमारी स्टूडेंट पाकीज़ा ईमान ने ना सिर्फ खान पर बल्कि पूरे रीजन में टॉप किया, तो जब सर मुजफ्फर यहाँ सब आए थे यहाँ पे, तो मैं देख रहा था कि ऑडियंस जो ना आप लोग क्लैपिंग्स उनके लिए बिल्कुल भी आप लोगों ने उनके लिए क्लैपिंग्स नहीं की थी जिस तरह हम चाह रहे थे। आपने उनके लिए उनको अप्रिशिएट ऐसा नहीं किया शायद जिस तरह एक हमारे माइंड में थे। देखिए मैं एक स्कूल की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे खानपुर की बात कर रहा हूँ, पूरे यहाँ रीजन की स्कूलों की बात कर रहा हूँ। तो पाकीज़ा ईमान की जो पोजिशन थी 463 मार्क्स लेके वो पूरे रीजन में टॉप पे थे। हमारे पास लास्ट टाइम 8 क्लास में टोटल 18 स्टूडेंट थे, आउट ऑफ 18 में से हमारे पास 12 स्टूडेंट ने 400 प्लस मार्क्स लिए थे ग्रेड 5 के एग्जाम में। ये किसी भी स्कूल का रिकॉर्ड है, आप इन बेशक देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। तो जो स्कूल में हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस थी ग्रेड 5 के वाले से, तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस थी। इसके बाद मैं आता हूँ ग्रेड 8 के एग्जामिनेशन में। ग्रेड 8 में भी हमारे बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह 100% सक्सेस हासिल की, अच्छा रिजल्ट क्रिएट किया। इसके बाद मैं बात करूँगा, मैं जिक्र करूँगा फर्स्ट ईयर की। हमारे पास देखिए फर्स्ट ईयर भी इस तरह थी, जैसे फर्स्ट सेशन था, एक न्यू क्लास थी, लेकिन शायद ये बहुत कम लोगों को पता है कि फर्स्ट ईयर में हमारी कंदील उस वक्त ने 411 मार्क्स लेके खानपुर में नई इसी तारीख की अंकी थी। इससे पहले खानपुर में किसी भी स्टूडेंट के इतने मार्क्स नहीं आए थे, 411 मार्क्स फर्स्ट ईयर में। और अब मैं अपनी जो मेन कामयाबी है उसकी तरफ आता हूँ, वो थी मैट्रिक में, मैट्रिक एनुअल 2012। इस रिजल्ट की खास बात ये थी कि इसमें हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सब ने सक्सेस हासिल की, सब के सब कामयाब हुए। इसके नुमाया फीचर ये थे कि इस रिजल्ट में राबीला ताबश ने 943 स्कोर किया, जो इससे पहले खानपुर के किसी भी स्कूल का नहीं था। खानपुर पे ये खानपुर की, अगर मैं कहूँ कि उसने खानपुर की हिस्ट्री चेंज कर दी तो ये गलत नहीं होगा। इससे पहले खानपुर के किसी भी स्कूल के 943 मार्क्स नहीं थे। तो हमारा पहला रिजल्ट था, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से, टीचर की मेहनत से, आप लोगों की दुआओं से, कोऑपरेशन से, अल्लाह ताला ने मैं पहले बहुत बड़ी कामयाबी थी 943 की सूरत में। सेकंड इसका पहलू ये था कि हमारे 3 स्टूडेंट ने 900 प्लस मार्क्स लिए, ये भी आज तक यहाँ पे किसी भी स्कूल का रिकॉर्ड नहीं है। 943, 931, 911, ये भी किसी भी स्टूडेंट ने इतने मार्क्स, किसी भी स्कूल ने इतने 9 प्लस 3 नहीं किए, जस्ट 2 थे, हमने 3 किए। इसके बाद मैं जरा इसके, जैसे मैं आपको बता चुका कि हमारे पास 9th क्लास में, सॉरी 10th क्लास में जो टोटल स्टूडेंट्स है, आउट ऑफ 8 स्टूडेंट ने ए प्लस लिए, आउट ऑफ 24 में से 8 स्टूडेंट ने ए प्लस लिए, 5 ने ए प्लस लिए और 8 ने फिर बी प्लस लिए। अब मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूँ वो सिर्फ खानपुर की बात नहीं है, वो सिर्फ खानपुर की बात नहीं है, वो सिर्फ फाल्कन स्कूल की बात नहीं है, वो सिर्फ चकबागर शाह की बात नहीं है, ना सगलाबाद की है, ना वो तहसील चकवाल की बात है, ना चुआचदिन शाह की है, ना तहसील तलागंग की है। अब मैं बात कर रहा हूँ एहसन नसीर के बहुत, कि एहसन नसीर ने 826 ला के पूरे डिस्ट्रिक्ट चकवाल में टॉप किया, पूरे डिस्ट्रिक्ट चकवाल में। चकवाल में आपको पता है कि कितने ज़्यादा स्कूल भी हैं, तहसील भी है, गाँव भी हैं। तो एहसन नसीर की एक बहुत बड़ी तारीखी कामयाबी थी ये, ना सिर्फ हमारे लिए, एहसन नसीर के लिए इटसेल्फ, फाल्कन स्कूल के लिए, खानपुर के लिए और चकबागर शाह के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी जो एहसन नसीर ने हासिल की। इस रिजल्ट की एक खास बात ये भी थी कि इस मैट्रिक के रिजल्ट में अगर आप कंपेरिजन करें, तो हम अगर चकबागर शाह से स्टार्ट करें तो चकबागर शाह में फाल्कन ही टॉप पे था। अगर हम डुमर की बात करें तो डुमर में फाल्कन ही टॉप पे था। अगर हम अर्ध मुगला की बात करें तो अर्ध मुगला में फाल्कन ही टॉप पे था। अगर हम सैदपुर की बात करें तो सैदपुर में भी फाल्कन ही टॉप पे था। अगर आप शाहपुर की बात करें तो शाहपुर में भी फाल्कन ही टॉप पे था। अगर आप धोरिया की बात करें तो धोरिया में फाल्कन टॉप पे था। अगर आप डोकुद्दीन की बात करें तो डोकुद्दीन में फाल्कन ही टॉप पे था। तो ये सबसे जो बड़ी अचीवमेंट है यही थी कि हमारे स्टूडेंट जिस जिस गाँव से बिलोंग करते थे तो वहाँ उनकी अपनी पोजिशन फर्स्ट पोजिशन थी। अब मैं बात करूंगा आपसे कि न्यू सेशन में हमारा क्या प्लान है, हम क्या करना चाह रहे हैं। काफ़ी लोगों की ये राय थी कि हमारे पास चौंक 9th क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स क्लास कम्बाइंड क्लास चल रही थी, तो इंशाल्लाह न्यू सेशन में हमारे पास 9th क्लास होगी वो गर्ल्स की बिल्कुल सेपरेट क्लास होगी और बॉयज़ की बिल्कुल सेपरेट क्लास होगी। तमाम सब्जेक्ट्स ही
वो मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। लास्ट टाइम ये इशू था कि टीचर्स जो कम थे, कुछ ऐसा प्रॉब्लम था, तो कुछ सब्जेक्ट्स हमें साथ चलाना पड़े था। लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला हम सेपरेट क्लासेस का अरेंज करेंगे, 9th क्लास में बॉयज का और गर्ल्स का। सेकेंड, काफ़ी अच्छे से बात जा रही थी जी कि हमारा जो जरा फ्लेशन कम्प्लीट नहीं हुई थी, तो इंशाल्लाह 2013 में जो हम एडमिशन भेजेंगे जो बोर्ड के लिए, वो अपने नाम से ही हम इंशाल्लाह भेजेंगे। हमारे स्कूल भी इंशाल्लाह फ्लेशन का काम वो कम्प्लीट हो जाएगा। इसके अलावा हमने एक कोशिश करके एक अच्छी सी कंप्यूटर लैब का भी अरेंज किया है, और इसके अलावा साइंस लैब के उसमें भी इंशाल्लाह वर्क करें, वो भी विद इन फ्यू डेज में हमारा कम्प्लीट हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ सेशन मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का, उन हस्तियों का, कि जिन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। आप यकीन कीजिएगा कि जब ये मैट्रिक का रिजल्ट आया था, एक मेरे बहुत करीबी दोस्त जो दुनिया में नहीं है, बलकतर अयूब साहब, तो मुझे आज तक याद है कि उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम कॉल की, उसी टाइम मुझे कॉल की थी और मैंने उनको बताया था कि तैर भाई हमारे स्कूल की पहली पोजीशन आई है। तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया था। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनको, मुझे वो कहते हैं कि मेरी नज़रों से शायद वो जो नहीं हो पाते, मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। आज वो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं उनकी विशेष, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। तो जब हमारा मैट्रिक का रिजल्ट अनाउंस हुआ था, तो सर मुजफ्फर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप बिलीव कीजिएगा कि सबसे ज़्यादा जो अप्रिशिएट मुझे किया था, हमारे स्कूल को किया था, सर मुजफ्फर ने मैं बहुत अप्रिशिएट किया था, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। मैं सर मुजफ्फर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे हौसले बहुत बुलंद किए। जब भी ज़रूरत पड़ी, इन्होंने वो अपने दस्ते शफ़क़त हमारे सरों पर रखा। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर मुजफ्फर साहब का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मकतूब भाई का कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी मसला था दोरिया की तरफ, तो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे ट्रांसपोर्ट मैनेज की, तो ताकि वहाँ रहने वाले जितने भी बच्चे हैं वो इजीली खानपुर में पहुँच सकें। मैं शुक्रगुजार हूँ मदली भाई का, वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारी इतनी अच्छी बिल्डिंग का अरेंज करके दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ खालिद साहब का कि खालिद साहब ने माशाल्लाह हमेशा मेरी रहनमाई की। हो सकता है अक्सर इनका ख्याल था कि हमारे जो स्कूल की एडवर्टाइजमेंट के हवाले से जो बात आती थी, मैं बहुत पीछे थे शायद, लेकिन इन्होंने हमें बहुत अप्रिशिएट किया, हमारा बहुत साथ दिया, जितने भी हमारे रिजल्ट थे उनको बहुत हाईलाइट किया। तो मैं स्पेशल शुक्रगुजार हूँ उनका भी। इसके अलावा मैं तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ आप यहाँ पे आए। तो आखिर मैं इतना कहूँगा, ये जो कामयाबी है ये सिर्फ मेरी कामयाबी नहीं है, ये सिर्फ मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, इसमें आप सब लोगों को कोऑपरेशन था, सब लोगों की दुआएं थी, मेरे अल्लाह ताला की मेहरबानी थी, मेरे पेरेंट्स की दुआएं थी, और सबसे बड़ी बात जो टीचर का हार्ड वर्किंग थी कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे सेशन में एक अच्छे मुकाम पे खड़े हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, जैसे हमारा एक टारगेट था कि 10th के वाले से, कि इंशाल्लाह इस दफ़ा हम 950 को इंशाल्लाह लाजमी क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे 9th क्लास का रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। तो 950 को इंशाल्लाह हमारा टारगेट क्रॉस करने का टारगेट है इंशाल्लाह, वो अचीवमेंट इंशाल्लाह हम जरूर हासिल करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी दुआओं का। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ताला हम का हमी नासर हो। थैंक यू।